देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं स्वाति रायना। न्यूज एट 5 में अभी की सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा से इस्तीफे के बाद पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब से दूर रखा गया इसलिए इस्तीफे का फैसला लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी गुगली यहां पर फेंकी है ये बयान देकर, और ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर अभी फिलहाल चुप्पी ही साधे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा वो 4 बार पंजाब से सांसद रह चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें पंजाब से दूर रखा गया। सिद्धू के मुताबिक उनके साथ ऐसी नाइंसाफी पहले भी की गई। सिद्धू ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए ये भी कहा कि दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से बड़ी नहीं है। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। लिए किसी ने भी क्या फैसला लेना है, हर एक को आजादी है और उसको भी आजादी है, वो जो फैसला लेना चाहेगा वो ले सकती। नवजोत सिद्धू एक कांग्रेस परिवार से आते हैं, अगर वो हमारी पार्टी में हमारे विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं तो उनका स्वागत होगा। सिद्धू ने अभी बीजेपी छोड़ने का कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि उनकी पत्नी और बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि राज्यसभा से इस्तीफे का मतलब सिद्धू ने पार्टी भी छोड़ दी है। 18 जुलाई को बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो मीडिया के सामने पहली बार इस्तीफे के बाद आए हैं, बहुत बड़ा बयान दिया है। संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव है। संतोष, नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान से क्या मतलब निकाला जाए, कहां का रुख वो कर सकते हैं? फिलहाल उन्होंने ऐलान तो नहीं किया है लेकिन अटकलें काफी तेज हैं। देखिए, अटकलें तो काफी तेज है क्योंकि इस बात का इल्म हो रहा है कि हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हों, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में एक अच्छा फोर्स बनकर उभरी है। तो अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं या कांग्रेस की तरफ से जो उनको निमंत्रण मिल रहा है उधर का रुख करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पत्ता नहीं खोला है। लेकिन एक बात यहाँ समझना ज़रूरी है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो नाराज़गी है वो भारतीय जनता पार्टी से थी, ना कि उसकी सरकार से थी। क्योंकि इन्होंने अपने बयान में साफ कहा था कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सीट जो थी वो स्वीकार करी थी, राज्यसभा का जो निमंत्रण था उसको स्वीकार किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पंजाब से उन्हें दूर रहने का के लिए कहा गया था और इस बात को लेकर उसमें नाराज़गी थी और उसी को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ वो पंजाब की राजनीति को भी एक बार फिर से गरमाने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि किस तरीके से वो पंजाब के लोगों के दिलों में रहते हैं और उनके खातिर इन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ी और आने वाले जो विधानसभा का जो चुनाव है उस चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए, खासकर उनकी पत्नी जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर मुखर थी पूरे अपने शासनकाल के दरमियान, उसको एक मुद्दा बनाएंगे और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हैं या फिर कांग्रेस का जो निमंत्रण है उसको स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में ही इसका जवाब मिल पाएगा, बहुत जल्द इसका फैसला भी सामने आ जाएगा और नजर बनाए जरूर रखेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल संतोष, आपका इस अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। संसद की वीडियोग्राफी मामले में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान के खिलाफ जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन कर लिया गया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जांच कमेटी को 3 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच रिपोर्ट आने तक भगवंत मान संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। भगवंत मान ने आज फिर मामले पर सफाई दी। द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द मैटर एक्सपीडिशियसली एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट नॉट लेटर देन 3 अगस्त 2016। मेरी मंशा कतई संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने की नहीं थी, मैं एक एजुकेशनल वीडियो बनानी चाहता था। उस कमेटी का जो फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए। भगवंत मान पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने गुरुवार को संसद की सिक्योरिटी चेकिंग का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया। वीडियो में भगवंत मान ने अपने घर से संसद पहुंचने के दौरान सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की जानकारी दी। भगवंत मान संसद के अंदर एंट्री से जुड़ी हर उस बात का खुलासा करते दिखे जिसे सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक नहीं किया जाता है। एनएसएल घोटाले मामले में इस वक्त एक अपडेट आया है। एनएसएल घोटाले की जांच करें, ईडी एनएसएल के प्रमोटर्स और डिफॉल्टर्स की करीब 1,400 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी ऐसी संपत्तियों को जब्त करेगी जिसे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने पहले जब्त न किया हो। ईडी ने इस मामले में एफटीआईएल के फाउंडर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया है, जबकि ईओडब्ल्यू ने हाल ही में एफटीआईएल की कुल 7,063 करोड़ रुपए वैल्यू की 831 प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया है। इससे पहले भी ईओडब्ल्यू ने करीब
5,000 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर्स और एनएससीएल के अधिकारियों की संपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में एनएससीएल के अधिकारियों और डिफॉल्टर्स पर 3,721 रुपए की प्रॉपर्टीज के हेरफेर का आरोप लगाया हुआ है। एफटीआईएल के फाउंडर जिग्नेश शाह ईडी के कोर्ट के आदेश पर 1 अगस्त तक जेल में हैं, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एनएससीएल केस में जब्त एफटीआईएल की संपत्तियों पर स्टे लगाने से इनकार किया है। एक और अहम खबर में जीएसटी बिल पर सहमति बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पावर्ड कमेटी की कल बैठक होगी। बैठक में जीएसटी के तहत टैक्स रेट और छोटे व्यापारियों के ऊपर ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा होगी। राज्यों ने केंद्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP द्वारा सुझाए गए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर चिंता जताई है। सुब्रमण्यन पैनल ने जीएसटी रेट 18% के नीचे रखने का प्रस्ताव दिया है, जबकि NIPFP ने जीएसटी रेट 26% के ऊपर रखने का प्रस्ताव दिया है। अब कल होने वाली बैठक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन संभावित रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर प्रेजेंटेशन देंगे। जून में कोलकाता में हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्यों ने कहा था कि कम जीएसटी रेट से उन्हें नुकसान होगा। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से बात करते हैं। आलोक, उम्मीद यही की जा रही है कि जीएसटी पर अब तो जाकर कुछ बात बनेगी। देखिए, इस वक्त जो सरकार का होमवर्क चल रहा है वो सभी जो रीजनल पार्टियां हैं और स्टेट्स में जो सरकारें हैं उससे लगातार सरकार का संपर्क है। पिछले दिनों ही आपने देखा होगा नीतीश कुमार के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है वित्त मंत्री अरुण जेटली की। उसके बाद जो वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में ही जीएसटी की स्टेट जो एम्पावर्ड कमेटी ऑफ ऑन जीएसटी जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की है उसकी बैठक होने वाली है, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दो फैसले वहाँ पर अटके पड़े हैं। एक तो ड्यूअल कंट्रोल ओवर स्मार्ट जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, सेंटर का होगा या स्टेट का होगा, इस पर भी चर्चा होगी। दूसरा जो मुद्दा है आरएनआर का, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जो कि जीएसटी काउंसिल को तय करना है। तो कई सारे स्टेट्स को ये लगता है कि 18% जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने सजेस्ट किया है वो काफ़ी कम है, उससे और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इससे स्टेट को लॉस हो सकता है। दूसरा जो एक इंस्टीट्यूट है FIPB, उसने सजेस्ट किया था 26%, वो बहुत ज़्यादा है, उससे महंगाई बढ़ेगी। तो एक ऐसा इंटरेस्ट रेट, एक ऐसा GST रेट पर आने की कोशिश की जाएगी कल की बैठक में जो कि सबको मान्य हो। हालांकि देखें तो इस बैठक के बाद सरकार प्लान कर रही है कि पार्लियामेंट में इस बिल को ले आए, क्योंकि इस हफ्ते इस जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है उसमें 5 घंटे एलोकेट हो चुके हैं और एक बार यहाँ कंसल्टेशन हो जाए उसके बाद यहाँ का सरकार लाने की कोशिश करेगी। और कोशिश यही होगी कि यहाँ पर राज्यसभा में जो कांग्रेस से लगातार बातचीत चल रही है वो बातचीत कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव नहीं हो रही है, सरकार कोशिश करेगी कि उसके जरिए संसद में ये बिल को एक बार जोर आजमाइश की जाए। वाकई, और जीएसटी पर कल जो सहमति बनती है उसको लेते हुए अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, नजर हमारी जरूर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। बात करते हैं अब शेयर मार्केट के। आज के कारोबार में बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और बाजार 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। 22 जुलाई 2015 के बाद पहली बार निफ्टी 8600 के पार बंद हुआ। वहीं 14 अगस्त 2015 के बाद सेंसेक्स ने 28000 के पार क्लोजिंग दी। सेंसेक्स 292 अंक, निफ्टी 94 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में तेल, गैस, बैंक, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। साथ ही आज के कारोबार में BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। तो 52 हफ्तों की ऊंचाई के बाद बाजार क्लोज हुए। एक ख्याल से हम एक लेट बुल मार्केट रैली के सॉर्ट ऑफ साइकिल में है, एटलीस्ट ग्लोबली अगर आप देखें, बिकॉज वैल्यूएशंस ग्लोबली बहुत अच्छी नहीं है। बट इतनी सारी लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में और ब्रेग्जिट जो कि एक नेगेटिव इवेंट रहा उसके बाद भी मार्केट्स ऊपर चली गई बिकॉज सब लोग यही सोचने लगे कि सेंट्रल बैंक्स हैं और सपोर्ट करेंगे। चलिए, बाजार में तेजी की क्या क्या वजह रही है जिस वजह से 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बाजार बंद हुआ, उसके कुछ हम आपको संकेत बताते हैं। दरअसल विदेशी बाजारों से बेहतर संकेत मिलने से भारतीय बाजारों में एक तेजी देखने को मिली है। साथ ही US यूरोजोन के बेहतर PMI आंकड़े इसकी एक वजह बताई जा रही है। अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड दरें घटा सकता है, ये एक बड़ी वजह है। शुक्रवार को बैंक ऑफ जापान से राहत पैकेज मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही GST बिल जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, उसके पारित होने की उम्मीद है। मॉनसून के अब तक आंकड़े काफी बेहतर आए हैं, जो रफ्तार रही है वो
कह सकते हैं अच्छी रही है। पहली तिमाही के अब तक जो नतीजे आए हैं तमाम कंपनियों के वो बेहतर रहे हैं, साथ ही सरकारी बैंकों से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही 13 कंपनियों के मर्जर की खबर से तेल गैस शेयरों में आज उछाल देखा गया और साथ ही कच्चा तेल 2 महीने के निचले स्तर के करीब हुआ। चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, वेराइजन जो है वो याहू को करीब 30,000 करोड़ रुपए में उसने खरीद लिया है। याहू बिक गई है और वेराइजन ने याहू का ऑनलाइन कारोबार 30,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। वेराइजन याहू का कारोबार खरीदेगी 30,000 करोड़ रुपए में, ये सौदा हुआ है। ऑनलाइन जो कारोबार है याहू का, वेराइजन ने 30,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है याहू को लेकर, वेराइजन ने याहू का ऑनलाइन कारोबार है जो वो 30,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। दरअसल 483 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है, जो याहू का ऑनलाइन कारोबार है 30,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया है वेराइजन की तरफ से। ये पूरा सौदा हुआ है वेराइजन की तरफ से और जो याहू का ऑनलाइन कारोबार है 30,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको एक बार फिर से बताएं, वेराइजन ने याहू का ऑनलाइन कारोबार 30,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। याहू वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उसको वेराइजन ने खरीदा है और इस एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं सौदे में जो याहू का ऑनलाइन कारोबार है वेराइजन ने 30,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसके साथ ही स्वाभाविक तौर पर जो नाम है वो बदल जाएगा याहू का। याहू का जो कोर इंटरनेट जो बिजनेस है उसको संभालेगी वेराइजन और जो कुछ इंफॉर्मेशन इस वक्त हमें आ रही है उसके तहत वेराइजन जो है उसने याहू का ऑनलाइन जो बिजनेस है वो खरीद लिया है। जो और जो डील है उसके बाद याहू का नाम भी बदल जाएगा। इस पूरी खबर पर लगातार हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। बढ़ते हैं कुछ और खबरों में। भोपाल बेस्ड कंपनी दिलीप बिल्कोन 1 अगस्त से आईपीओ लाने जा रही है। आईपीओ 3 अगस्त तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ के जरिए 655 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड 214 से 219 रुपए प्रति शेयर के बीच रहेगा। आईपीओ के जरिए एक लॉट में 65 शेयर के लिए बोली लगाई जा सकेगी। दिलीप बिल्कोन एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसके पास सड़क, पुल, बांध, नहर, वाटर सप्लाई के 12 राज्यों में 17,530 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम के बड़े हिस्से का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करेगी। अभी की बैलेंस शीट पे लगभग स्टैंड अलोन पे लगभग 2400 करोड़ का कर्जा है और मेनली दिस इज फॉर इक्विपमेंट, क्योंकि कंपनी फोकस करती है अपना ओन इक्विपमेंट से काम करने का और जो आईपीओ मनी आ रही है उससे भी कंपनी अपना लोन चुकाएगी एंड इन फ्यूचर द प्रॉफिट्स विल कन्वर्ट आल्सो द डेट हमारी नीचे होगी। आज टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर चर्चा हुई। टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप डेटा सेवाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप कम करने के लिए 48,000 नए टावर लगाए। पिछले 45 दिन के अंदर ये नए टावर लगाए गए हैं। कंपनियों को 100 दिन के अंदर 60,000 टावर लगाने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि कंपनियों ने कॉल ड्रॉप खत्म करने का भरोसा भी दिया है। आधार पर भी यदि कहें तो पहले से गिराव सुधार उसमें हुआ है, लेकिन ये सुधार सामान्य उपभोक्ता महसूस करे ये सरकार की मंशा है और उस दिशा में सरकार भी काम करे, उनसे उनको भी कहा गया है कि इस दिशा में वो काम करें। केवल कॉल ड्राफ्ट से ही मतलब नहीं, उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो ये मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉल के क्षेत्र में भी और डेटा के क्षेत्र में भी। ये केवल कॉल तक नहीं, डेटा के क्षेत्र में अभी हम उस जगह नहीं पहुंच सके हैं जहां हमें होना चाहिए। अब खबर विजय माल्या से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माल्या से 4 हफ्ते के अंदर इस बात का जवाब देने को कहा कि उनके खिलाफ अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके माल्या के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि विजय माल्या ने अपने सभी एसेट्स की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसमें माल्या को डीआईजीओ से मिले 4.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 300 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। रोहतगी ने कहा कि 2.5 हजार करोड़ रुपए के कैश ट्रांजैक्शन का पता चला है, जिससे कोर्ट की अवमानना होती है। रोहतगी ने कहा कि माल्या की पब्लिक मनी के इस्तेमाल को लेकर जिम्मेदारी बनती है और रोहतगी ने यह भी कहा कि माल्या ने कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया है। अटॉर्नी जनरल की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को नोटिस भी जारी कर दिया है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। रेसलर नरसिंह यादव के डोप टेस्ट मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। कुश्ती फेडरेशन में सच्चाई सामने लाने को भी कहा। वहीं रेसलर नरसिंह यादव ने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। भारतीय कुश्ती संघ ने भी नरसिंह यादव का बचाव किया और माना कि नरसिंह के खिलाफ साजिश हुई। नरसिंह यादव के बाद एक और रेसलर संदीप तुलसी यादव भी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। संदीप पानीपत में साई के कैंप में नरसिंह के रूम पार्टनर हैं। उन्होंने भी खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाने की आशंका जताई है। जानबूझकर हमारे किसी खाने में या किसी सप्लीमेंट में किसी ने प्लानिंग के थ्रू किया है तो इसकी उसे जांच होनी चाहिए और मुझे रियो ओलंपिक्स भेजा जाना चाहिए। ऐसा लगता है हम लोग साथ में खाना खाते हैं, हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट सब साथ में पीते हैं, शायद उसमें कोई मिक्स किया हो तो फिर हमें ध्यान आया नहीं, हमारे में लगता कोई मिला है। खेल मंत्रालय ने मामले में जांच का भरोसा दिया है। वो रिपोर्ट इसीलिए होगी कि हम ये देखेंगे उसके अंदर कि उनके अब चांसेस कुछ बचे हैं या नहीं बचे। नरसिंह ने 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 5 जुलाई को सोनीपत में साई के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम टेस्ट किया। पहले नरसिंह यादव का ए सैंपल पॉजिटिव आया और बाद में बी सैंपल में भी वो फेल हो गए। नरसिंह यादव और उनके रूम पार्टनर संदीप तुलसी यादव के सैंपल में एक ही प्रतिबंधित एस्ट्रॉइड मिला है।